नमस्कार, नेक्स्ट लाइन न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोन सरे। आने वाले करीब 1.5 सालों में देश के 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले भाजपा ने बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी है। भाजपा का फोकस अब दलित वोटर्स को साधने पर है, जिसकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में अच्छी खासी आबादी है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को 950 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। ये फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इनकम जनरेशन स्कीमों के लिए दिया गया है। ये बड़ा फंड 8 मंत्रालय के उस फंड से ट्रांसफर किया गया है जो उनसे खर्च नहीं हो सका था। माना यह भी जा रहा है कि इसके जरिए केंद्र सरकार अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर खास फोकस कर सकेगी। खास तौर पर 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह फैसला अहम माना जा रहा है। डेवलपमेंट एक्शन प्लान और फॉर शेड्यूल कास्ट के तहत 41 मंत्रालयों को अपने कुल बजट के 20-20% तक के हिस्से को अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए खर्च करना होता है, लेकिन ज्यादातर मंत्रालय ऐसा नहीं कर पाए और कई मंत्रालयों ने अन्य स्कीमों पर फंड को खर्च कर दिया। ऐसे में सरकार ने अब 8 मंत्रालयों के बचे हुए 950 करोड़ रुपए को सामाजिक न्याय मंत्रालय को दिया है ताकि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी स्कीमों पर खर्च किया जा सके। आपको बता दें, सरकार की ओर से जिन मंत्रालयों को फंड को ट्रांसफर किया गया है उसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, वाणिज्य, सड़क एवं परिवहन, खनन कोयला, खाद एवं रसद आपूर्ति, फूड प्रोसेसिंग और टेलीकॉम मिनिस्ट्री शामिल है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने बचे हुए 950 करोड़ रुपए के फंड को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। ये पहला मौका है जब वित्त मंत्रालय ने किसी मिनिस्ट्री की बची हुई रकम को सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया है। 27 जुलाई को ही व्यय विभाग की ओर से इस फैसले को मंजूरी दी गई थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस रकम को खर्च करने के लिए 4 योजनाओं को तय भी किया गया है। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर उत्सव धाम योजना है, इसके तहत गाँव में कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक योजना पीएम अमृत जल धारा योजना है, इसके तहत दलित समुदाय के लोगों की जमीनों पर सिंचाई से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा 2 अन्य स्कीम है जिनमें इस रकम को खर्च किया जा रहा है। तो फिलहाल की इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।